वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद के पुरजोश पैगाम पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहत और तंदरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान के आवाम वली अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। शहबाज शरीफ ने वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 15 रोज के लिए कीमत 279.75 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1.77 रुपये कमी। नई कीमत 285.56 रुपये मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम वली ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती इलाका इस्तेहकाम और अस्करी तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना है पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। कल उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। 19 मार्च तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। 21 मार्च तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें की जा सकेंगी। 26 मार्च को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी होगी। 27 मार्च तक उम्मीदवार दस्तबदार हो सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट जारी कर दिया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कायद नवाज शरीफ, वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीरे आला पंजाब का शुक्रगुजार हूं। पार्टी ने मुझे सेनेट का टिकट जारी करके एतमाद का इजहार किया। मैं अपनी वफादारी और कारकर्दगी से इस एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। ये टिकट उन साथियों के नाम जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में पार्टी और क्यादत का साथ निभाया।